गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री शर्मा, वेलकम यू इन टुडे साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियोस, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव रिवाइज्ड चैप्टर 2. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 फ्रॉम योर कमिंग टेस्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ माई ऑब्जर्वेशन बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. देर आर सम स्टेटमेंट. इफ द स्टेटमेंट इज राइट यू विल राइट ट्रू. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रॉन्ग यू विल राइट फॉल्स. सो आर फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग स्ट्रेंजर्स आर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है? स्क्विंजर्स ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इज दिस स्टेटमेंट इज राइट? येस, दिस स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज देर आर सम प्लांट सम एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट दैट ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्विंजर्स. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लाइक वल्चर, ईगल, डॉग पिग्स आर ऑल्सो स्क्विंजर्स बिकॉज दे आर यूजली फाउंड नियर द गार्बेज डंप. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो आपने यहाँ पे ट्रू लिखना है. राइट द स्पेलिंग ऑफ ट्रू. देन सेकेंड, हार्बिवोरियस ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब जो स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि हार्बिवोरियस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं. तो इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इट इज रॉन्ग बिकॉज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बिवोरियस. क्योंकि जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो कौन से होते हैं? हार्बिवोरियस होते हैं. पर जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं दैट आर ओमनिवोरियस. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रही है? हार्बिवोरियस ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. कि एनिमल्स और प्लांट दोनों को जो ईट करते हैं वो हार्बिवोरियस होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ फॉल्स. FALSE, फॉल्स. देन आवर थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट ओमनिवोरियस लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. तो स्टेटमेंट में क्या है? जो ओमनिवोरियस है वो क्या कहाँ रहते हैं? बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इट इज फॉल्स बिकॉज पैरासाइट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. जैसे लाइक बेड बग, लीच, हुक वॉर्म, दीज आर पैरासाइट्स. ओमनिवोरियस, हु आर ओमनिवोरियस? एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरियस. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है बिकॉज पैरासाइट्स लिव इन ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. देन नेक्स्ट इज एन इंसेक्ट बॉडी इज कवर्ड विथ सेंसरी हेयर्स. अब वो क्या कह रहा है? जो इंसेक्ट होता है उसके जो बॉडी है किससे कवर रहती है? सेंसरी हेयर से. यानी कि उसके जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइनी क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, जिनको सेंसरी हेयर्स बोलते हैं. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्योंकि उसकी बॉडी किससे कवर रहती है? इंसेक्ट की बॉडी सेंसरी हेयर से कवर रहती है. देन लास्ट टू फोर्थ, इंसेक्ट है पेयर ऑफ एंटीना. इंसेक्ट की क्या होती है? पेयर ऑफ एंटीना होती है. तो इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एंटीना हेल्प अ बर्ड इंसेक्ट टू फाइंड हिज फूड. जो फाइंड की जो फूड की जो फ्रेग्रेंस है वो उसको कहाँ से आती है? एंटीना के थ्रू आती है उसको. तो एंटीना क्या देता है? उसको फूड की फ्रेग्रेंस की सिग्नल देता है कि जो फूड की फ्रेग्रेंस है वो कहाँ से आ रही है. तो एंटीना हैव अ पेयर ऑफ, इंसेक्ट हैव अ पेयर ऑफ एंटीना. उसके क्या होते हैं? पेयर ऑफ एंटीना होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ ट्रू. फिर लेट्स सी अगेन. स्क्विंजर्स ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हार्बिवोरियस ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ओमनिवोरियस ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. देन ओमनिवोरियस लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल.
This statement is false because parasites live in or on the body of other animals. Then an insect body is covered with sensory hairs. This statement is true. ये statement क्या है? True है. Then last is insect have a pair of antenna. Insect have a pair of antenna. This statement is true. ये statement क्या है? True है हमारी. Then these are your true false. You will learn these true false. Now question number 2. Which of the given animals are herbivorous? जो आपको नीचे कुछ animals के name दिए हैं जैसे bat, elephant, sheep, fox, eagle, lion, cat. These are the animals. तो आपने इस list में से find out करना है कि कौन से animals हैं जो herbivorous हैं. तो सबसे पहले first of all who what do you mean by herbivorous? Herbivorous कौन होते हैं? तो herbivorous are plant eating animals. जो animals सिर्फ plants के ऊपर depend करते हैं जैसे cow है, buffalo है, goat है, elephant है, giraffe है, these are plant eating animals. तो plant eating animals are called herbivorous. तो अब इसमें से देखिए कौन से animals हैं जो plant eating है. तो सबसे पहले elephant, sheep and these are the plant eating animals. Animal and sheep. तो आपने यहाँ पे लिखना है elephant and sheep are the plant eating animals. यानी कि herbivorous. Because cat क्या है? Omnivorous है. Lion carnivorous है. Eagle this is scavenger. Fox also herbivorous and bat is a scavenger. So these are the herbivorous animal. Elephant and sheep are the herbivorous animal. Now question number next. Now question B, part question 2 part B. What do you mean by herbivorous? So herbivorous animal that depend on plant for their food is called herbivorous. जो animals plants पे depend करते हैं या plant eating animals are called herbivorous. तो आपने यहाँ पे क्या write करना है? Animals that depend on plants for their food are called herbivorous. यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हो plant eating animals are called herbivorous. Like cow, goat, sheep, elephant, giraffe, etc. तो दीज आर द हर्बिवोरियस एनिमल. तो आप इसको दोनों ढंग से लर्न कर सकते हो. एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हर्बिवोरियस या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बिवोरियस. इसमें से जो भी आपको इजी लगती है डेफिनेशन आप उसको लर्न कर सकते हो. तो दीज आर योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल. टुडे योर होमवर्क इज दैट यू विल लर्न true false and question number question 2 from your my observation book and try to write it. That's all. Thank you.